बड़ा बयान सामने आया है। वर्मा का कहना है कि कांग्रेस सरकार बनने पर सिंधियों को सत्ता में दी जाएगी। कांग्रेस ने हमेशा सिंधियों का सम्मान किया है, बीजेपी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करके सिंधियों को महज वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। योग्य व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना इसका जीता जागता उदाहरण है। देखिए, जिस तरीके से सिंधी समाज की अवहेलना पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की है, वो निश्चित रूप से कई लोगों से मेरी बात हुई है सिंधी में, उनके जो दर्द बयां किया उन्होंने, वास्तव में वो इतना गहरा है। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने भाजपा के इस पौधे को सींच के वट वृक्ष बनाया, उन्होंने जो रथ यात्रा निकली थी अयोध्या राम मंदिर के लिए, जब उनको प्रधानमंत्री बनाने की बारी आई, उन्होंने जो त्याग किया, तब उनको दरकिनार करके एक ऐसा व्यक्ति जिसे पाला पोसा श्री आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात में, उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। तो ये सारी दर्दनाक स्थिति सिंधी समाज ने अपनी आंखों